नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 150 सीटों पर जो है साइन कर दिया। यानी 150 सीटों पर कौन से उम्मीदवार होंगे आरजेडी की तरफ से, उसका एक लिस्ट लेकर के भोला यादव गए हुए थे लालू यादव से मिलने के लिए, और सीट के लिस्ट पर जो है लालू यादव ने साइन कर दिया है। यानी ये कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आरजेडी ने तय कर दिया है कि इस बार के चुनाव में 150 सीटों पर उसके कौन से उम्मीदवार होंगे और कौन कौन सी सीटें होंगी, जिसका आधिकारिक पुष्टि कभी भी हो सकता है। इसके बाद जैसे ही भोला यादव पटना आते हैं, इसके बाद एक सियासी बवाल हो जाता है और जो विरोधी पार्टियां हैं आरजेडी की, चाहे आप जदयू की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, ये लोग आरोप लगा रहे हैं आरजेडी पर कि एक सजायाफ्ता व्यक्ति कैसे जो है किसी पार्टी के सिंबल पर साइन कर सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी ने तो बिल्कुल तय कर दिया है कि कौन से कैंडिडेट होंगे 150 सीटों पर, लेकिन अभी कांग्रेस जो है तय नहीं कर पाई है, कब तक ये तय हो जाएगा? नहीं देखिए, पहले आरजेडी की बात करते हैं, लालू यादव की बात करते हैं। लालू यादव जो आपने बताई है, जो बड़ी खबर है, हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 150 सीटों पर जो आरजेडी ने अपनी प्रत्याशी तय कर लिए हैं और इस पर लालू यादव ने मुहर भी लगा दी है, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जो भोला यादव का बताया जा रहा था कि भोला यादव ने सिंबल, जो भोला यादव लालू यादव के सिग्नेचर का सिंबल लेकर लौटे हैं पटना, हमने ये बताया कि लालू यादव ने तय कर दी है सीटें, जो 150 सीटें जो है वो तय हो गई हैं, प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। तभी तो लालू यादव ने उस सिंबल पर सिग्नेचर भी कर दिया है, वो जो है लेटर तेजस्वी यादव के पास आ गए हैं। भोला यादव जो लालू यादव के हनुमान है, वो लेटर लेकर आ गए हैं पटना। वो कल रात पहुंचे थे, उसके बाद ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रही थी कि आखिर पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। तो ये बता दें मृगेंद्र कि पहले ही नहीं, बाकी भी चरणों के जो उम्मीदवार आरजेडी ने तय कर लिए हैं, 150 नाम जो है आरजेडी ने तय कर लिए हैं और सीटें तय कर ली हैं। अब करना ये है, अब बाकी जो है उनके सहयोगी दल, उनको तय करना है कि वो बाकी सीटें कौन सी लेते हैं और कहाँ तय करते हैं। इसको लेकर कांग्रेस भी बैठक कर रही है मृगेंद्र, और ये आपको बता दें कि आज जो कांग्रेस की बैठक दिल्ली में चल रही है, जो हाई लेवल मीटिंग है, जो बिहार के तमाम आला नेता जुटे हुए हैं, उसमें ये तय किया जा रहा है कि कांग्रेस कौन सी सीटों पर लड़ेगी। तो यहाँ आरजेडी की तरफ से ये तय हो चुका है कि कहाँ से वो सीटें लड़ेंगे, और लालू यादव ने अपना जो है उस पर मुहर भी लगा दिया है 150 प्रत्याशियों पर, और कांग्रेस जो है अब बैठी है और कांग्रेस ये तय कर रही है कि वो किन सीटों पर लड़ेगी। अच्छा। तो ये बातें हैं मृगेंद्र, अभी जो है राजनीति से सबसे बड़ी खबर जिसको कहा जाए कि 150 सीटें जो है उस पर मुहर लग गई आरजेडी की ओर। अच्छा, एक सवाल ये है अनुराग कि क्या ये जो सीटों का, खास करके अगर सीटों की लिस्ट की अगर बात करें जिस पर लालू यादव ने साइन किया है, तो क्या हम अंदेशा लगाए कि महागठबंधन में बात हो गई है और आने वाले टाइम में जो है कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर देगी, और कहीं ना कहीं जब ये गठबंधन जो है गठबंधन में बात बन गई है तभी जो है लालू यादव ने लिस्टों पर साइन किया है? देखिए बिल्कुल, एक तरह से देखिए ये तमाम जो कवायदे हो रही हैं मृगेंद्र, ये आप इनके बयान को समझेंगे। अगर जो आरजेडी के नेता हैं, जो सांसद हैं, आज उन्होंने एक बयान दिया है मनोज झा ने कहा है कि देखिए इन तमाम कवायदों में समय लगता है, सीट शेयरिंग कोई खेल नहीं है और सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ भी ऐसा बिगड़ा नहीं है, कांग्रेस और आरजेडी के बस सब कुछ ऑल इज वेल है, उन्होंने ये बयान दिया है। और जो साथ ही साथ बड़ा बयान है, और भोला यादव ने भी ये कहा है कि भोला यादव ने ये भी कहा है कि जो है 2 से 3 दिनों, मतलब कि आज से कल तक में, वो उम्मीद जताई है उन्होंने कि सारा ऐलान कर दिया जाएगा सीट शेयरिंग का। अच्छा। तो ये जो बातें हैं, जो तरह तरह की बातें आ रही हैं कि कांग्रेस आरजेडी, ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये बिल्कुल जो ये है बड़ा अपडेट, हम बता दें दर्शकों को कि ये जो है अपडेट है एक मनोज झा के बयान से और भोला यादव के बयान से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी में बात बनती दिख रही है, बात बिगड़ने वाली नहीं है। जैसा कि मनोज झा कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी गठबंधन और या फिर सीटों के बंटवारे में समय लगता है, इसको कमजोरी ना समझा जाए, इसको तलखी ना समझा जाए, उसको दूरी ना समझा जाए, इसका मतलब है कि बातें बन रही हैं, महागठबंधन के अंदर भी आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो रहा है। और लालू यादव जो ने सिंबल दे दिया है, उन्होंने 150 सीटों के सिंबल पर सिग्नेचर कर दिया है, तो आरजेडी का ये माना जा रहा है कि आरजेडी ने 150 सीटें तय कर दी है। अब उसके बाद जो बाकी बची सीटें हैं, तो कांग्रेस के कोटे में कौन सी जाती हैं या फिर और जो पार्टियां हैं उनके कोटे में कौन सी सीटें जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी मृगेंद्र। अच्छा, लालू यादव ने जिन सीटों पर, खास करके सीटों के लिस्ट पर साइन किया है, सिग्नेचर किया है, उसके बाद जो सियासी बवाल छिड़ा हुआ है
जदयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक सजायाफ्ता व्यक्ति कैसे एक पार्टी के सिंबल पर साइन कर सकता है, सिग्नेचर कर सकता है। लालू यादव सर, जिस तरह से अभी जो सिग्नेचर का मामला आया, जिस तरह से क्लियर हो रहा है कि 150 सीटें जो आरजेडी ने जारी करती हैं, उसके बाद सिग्नेचर पर बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन अब ये जो है जेडीयू और जो बीजेपी है, तमाम दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो एक संवैधानिक जेल में बैठा व्यक्ति कैसे एक संविधान के जो सीटों का जो है उस पर सिग्नेचर कर सकता है, कैसे सिंबल जारी कर सकता है। पार्टी का एक अध्यक्ष है, वो जेल में कैसे सजायाफ्ता रहते हुए पार्टी के विधायी कामों को कैसे अंजाम दे सकता है। तो ये बातें अब उठने लगी हैं। संजय सिंह जो है जेडीयू के नेता, उन्होंने कह दिया है, एक बड़ा हमला बोला है कि पार्टी लोकतंत्र के लिए काला धब्बा बता दिया है। जो मतलब जेडीयू ने ये कहा कि लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है कि अगर आरजेडी सुप्रीमो जो है जेल के अंदर बैठे हैं और वहीं से सिंबल जारी कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। इस पर बवाल भी मच गया है विगत, और अब जो है आने वाले समय में इस पर सियासत और भी होगी। और अब हालांकि ये बड़ी बात है कि जो है आरजेडी के अंदर से 150 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, महागठबंधन और एनडीए को लेकर के जो पल पल की खबर हम तक पहुंच रही है, उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।